हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैं 6 बजे उठ गया था। एक बार मैं सोचा कि चलो अब उठ के बाहर निकल जाते हैं। मैं बोले ठीक है, बस 5 मिनट बाद निकलता हूँ। और 5 मिनट मेरा 9:30 बजे हुआ। आज शिट यार, रोज़ सोचता हूँ उठूँगा, उठ ही नहीं पाता हूँ। तो गाइस, 12 बज रहे हैं और क्लासेस ख़त्म हो गए हैं। क्लासेस क्या मतलब, अब जो दो क्लास है ना वो होगा नहीं, ठीक है। बस ऐसे से रूटीन में है, वो होगा ही नहीं, होता ही नहीं हमारा। मतलब अगर वीक में अगर 5 क्लास है ना, तो उसमें से दो क्लासेस होंगे हार्डली, और नहीं तो वो भी नहीं। और अब सीधा 2:30 बजे से क्लास है। अगर ये दो क्लास को छोड़ दिया जाए तो मेरे को आज जाना है बैंक मम्मी को लेकर। बैंक में कुछ काम है, अभी जाना। फिलहाल अपना फिलहाल ब्रश कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लूँगा, उसके बाद कुछ करूँगा। सुबह से सिर बहुत दर्द हो रहा है मेरा। मैं सो गया था, उसके बाद क्लास किया, उठ के क्लास किया, क्योंकि ये क्लास आज के पूरे दिन में से दो क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ये क्लास मेरा हो गया और ये क्लास 2:30 बजे से है, तो वो क्लास करना बहुत ज़रूरी है। बस जाता हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो गाइस, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। मैं मम्मी को तब से बोल रहा था चलने के लिए, अभी जाके निकल रही है। 2:20 हो रहे हैं अभी। बैंक में अभी जाके अगर बोलेगा कि नहीं अब टाइम निकल गया अकाउंट खोलने का, तो बस फिर मैं लटक जाऊँगा। मैं टाइम दे के रखा था ना कि मैं इसी मंथ खुलवा दूंगा, ये मंथ का लास्ट है। आज मेरे को एनी हाउ मेरे को खुलवाना ही पड़ेगा। अगर 3:30 से ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा लग गया बैंक में ही काम करते करते। बैंक में ये दिया, फिर जगह जेरोक्स करवाने के लिए, फिर वहाँ से बैंक में तो लाइन रहता ही है, आपको तो पता ही है गवर्नमेंट बैंक में कितना क्या टाइम लगता है। मम्मी तो आराम से अपना मस्त बैठ के थी। अगर शाम के 5 बज रहे हैं, अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ। लंच वगैरह सब कर लिया हूँ मैं, अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। पर रूटीन बिगड़ गया है यार ऑनलाइन क्लास के चक्कर में ना। अभी अभी मतलब हमारे स्टेट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अभी अभी एक मतलब न्यूज़ में आया कि 3 फेब से कॉलेज स्कूल कॉलेजेस सब खुल जाएंगे। तो अब कॉलेज का नोटिस का सिर्फ इंतज़ार है। फटाफट नोटिस आए भाई, कॉलेज जाए तुरंत, घर में नहीं बैठना है आप बिल्कुल भी। मेरा कैमरा फिर से लैग कर रहा है, फ़ोन लैग कर रहा है। देखो क्या पता क्या हो रहा है ना, मेरे फ़ोन के साथ लैग कर रहा है। फिर मैं नहा के आ गया हूँ और 6 बज रहे हैं। जा रहा हूँ फिलहाल पूजा कर लूँगा और उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं। रोज़ शाम को यही सोचना पड़ता है कि उसके बाद क्या करूँ। नहीं करेगा जा। बस रात के 9 बज रहे हैं और अभी निकले वॉक में। जल्दी निकल गए क्योंकि जल्दी आ जाएंगे फिर घर, इसलिए। नहीं तो उस दिन 11:30 बजे घुसा था ना घर, पापा कैसे लॉक कर दिए थे। आज अगर हो गया ना तो आज मेरे घर में घुसने नहीं मिलेगा, चाहे जो भी हो जाए। इसलिए आज मैं जल्दी निकल गया ताकि मैं जल्दी घर घुस जाऊँ, इसी के साथ जा रहा हूँ। कॉलर में सिर्फ हेडफोन रख लिया है सिर्फ शो ऑफ के लिए, गाना नहीं सुन रहा है उसमें से, सिर्फ शो ऑफ के लिए। देखो जा रहे रूबी कॉलेज की तरफ, पास में ना मेरा कॉलेज, कभी भी जा सकते हैं। कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, कॉलेज जो पहला बस स्टॉप है ना वहाँ तक जा रहा हूँ मैं। अबे मरा थोड़ी ना है, मरा नहीं है, वो हॉस्पिटल जा रहा है भाई। ये राम जी, हमारा कॉलेज का रास्ता है वो है अरबना, जहाँ लाइट चल रहा है, जहाँ पे काफ़ी हवा चल रही है, यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है। तो वैसे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से निकल जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी चल रहा है ना, यहीं से निकल जाएंगे। की हो गया, की होया, की होया। तो आगे चल, हम पीछे देखते देखते जा रहे हैं भाई साहब। पूरा घेर लिया यार, पूरा घेर लिया यहाँ पे भी। हाँ भाग गया। हाँ देखो देखो
क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ हाँ क्या हुआ आयुष भाग आयुष भाग आयुष भाग आयुष आ रहा आयुष तो गाइस जस्ट अभी यहीं से निकले और फिर यहीं पे आ गए, फिर यहाँ से फिर मतलब वहाँ से घूर के गए थे ना, वहाँ से घूर के ऐसे फिर घूर के फिर ऐसे यहाँ पे आ गए। पता नहीं इसको क्या है, चिल। अब खुद तो हेडफोन पहन लिया है, मज़े से एकदम गाना सुनते सुनते चल रहा है और मैं यहाँ वहाँ भटकते भटकते चल रहा हूँ। ओए फिर सेम रास्ते से आ गए, देख लिया देख लिया। क्या हुआ झमेला हो गया तो तुम वो कर रहे हो? अरे 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 यार, तीन जन था तो जाओ ना यार, जाओ ना, माता खराब हो गया, जाओ। रात के 10 बज रहे, अब हम लोग जा रहे घर। मैं घर जाके अपना एडिटिंग स्टार्ट कर दूंगा और उसके बाद अपना डिनर करके फिर कुछ कुछ करूंगा, फिर सो जाऊंगा। देखो कैसे जा रहे, देखो ये ऐसे हरकत करता है ना, इसीलिए यहाँ वहाँ बाइक वाइक से इसको लग जाता है, बस यही इसका है और कुछ नहीं। तो गाइस रात के 11 बज रहे हैं और अब मैं जा रहा हूँ घर। एक्चुअली मैं आ गया था तो अभी फ़िलहाल पापा बोले कि दवा लाने के लिए, तो इसलिए मैं लेट हो गया आने में घर, नहीं तो मैं 10-10:30 बजे तक आ गया था यहीं पर। तो गाइस 12 बजने वाले हैं, मम्मी फ़िलहाल अभी कुछ बना रही है, थोड़ा बहुत बन गया है, जो आज छिलका बना रही है मम्मी, तो आज छिलका खाएंगे। नहीं, तो वो नारियल देखे जो नहीं बनाते पार्टी चपटा जिसको बोलते हैं, वही मम्मी बना रही है। उसके बाद मम्मी नमक वाला नमकीन छिलका बनाएगी और तब तक मैं अपना एडिटिंग कर लेता हूँ। होगा तो नहीं पूरा क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, जब तक बनाती तब तक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर खा के और कल सुबह को निकलना भी है थोड़ा। ये मैदा का सब मिठाई वाले ही बना रही हो बाबा, इतना में बन जाएगा नमकीन वाला। अब ये नारियल का नारियल है ऐसे जाएगा और डोसा की तरह फोल्ड हो जाएगा। देखो कैसे डोसा की तरह फोल्ड होगा, देखो नॉनस्टिक तवा रहते हुए भी हम इसी तवा में काम करते हैं, देख लो हम नॉनस्टिक से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा देसी तवा। देखो भाई देसी तो देसी होता है जो भी बोलो। डिनर वगैरह हो गया, आज काफ़ी ज़्यादा डिनर हो गया क्योंकि नमकीन छिलका भी था और पार्टी सप्टा भी था, तो बहुत मम्मी बहुत ज़्यादा दे दी थी, आगे पेट पूरा भर गया है। इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आशा करते हैं ब्लॉग आपको अच्छी लगे, छिलके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद जय भारत।